हाय विद्वान, आपका क्वेश्चन है किन आधारों पर यह अधिकार अपनी प्रकृति में सार्वभौमिक माने जाते हैं। तो 17वीं और 18वीं सदी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क प्रस्तुत करते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं। हमें जन्म से ही वे अधिकार प्राप्त हैं। परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। उन्होंने जीवन के मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए थे, जीवन को अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अन्य विभिन्न अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के कारण हम यह प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राप्त प्राप्त है। इसी तरह आगे पढ़ लीजिएगा खुद से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ओके। सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।